एक बार फिर से सभी लोगों का हमारे क्लास में वेलकम है और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। तो इन पर तो हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, इसका पता कैसे लगाएंगे वगैरह वगैरह, फिर हम मेन मुद्दे पर आ पाएंगे क्योंकि बिना उसके रिडॉक्स रिएक्शंस को हम नहीं समझ सकते। तो पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, फिर इन रिएक्शंस के ऊपर आएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज। कोई एटम है, उस एटम के ऊपर, स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे हम Na प्लस लेते हैं, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन। हम Cl माइनस लेते हैं, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस वन। हम लिखते हैं SO4 माइनस टू, हम इसको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पर कोई एक एटम नहीं है, एक सल्फर एटम है, चार ऑक्सीजन एटम है, ये निगेटिव चार्ज किसके ऊपर है ये कहवाना थोड़ा मुश्किल है। जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक बात हमें समझ में नहीं आएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब चार्ज, चार्ज ऑन टारगेट एटम, जो हमारा टारगेट है इस पर हम बताना चाहते हैं उसी एटम की बात कर रहे हैं। अब ये चार्ज देखो दो तरह का होता है, एक होता है एक्चुअल और दूसरा होता है नॉन एक्चुअल या फिर वर्चुअल। वर्चुअल का स्पेलिंग सही है, वी आई होता है क्या, तो रहा है ओके। सभी लोग अपने अपने डिक्शनरी में मैच करना कि वर्चुअल का स्पेलिंग सही है क्या, सही है तो ठीक, नहीं है तो जो डिक्शनरी में मिलेगा वही वाला यहाँ पर लगा लेंगे। तो चार्ज जो है, हम टारगेट एटम के ऊपर चार्ज देखते हैं, चार्ज एक्चुअल भी होता है वर्चुअल भी होता है। एक्चुअल मतलब जो सचमुच का है, वर्चुअल मतलब सचमुच का होगा नहीं फिर भी हम मान लेंगे कि यहाँ चार्ज है। जैसे NaCl अगर हम ले तो हम जानते हैं NaCl कैसे बनता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। ये वर्चुअल, सॉरी ये एक्चुअल चार्ज है, यहाँ वास्तव में प्लस वन है और यहाँ वास्तव में सच्चाई में माइनस वन है और यही इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। लेकिन अगर हम HCl को लेते हो, ठीक है ना, अगर हम HCl को ले तो क्या होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं है, फिर भी क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस। ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस जैसा कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि चार्ज का सबसे छोटा यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज नहीं होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर प्लस आया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो उस पर माइनस आ गया, तो ये सबसे छोटा चार्ज है। इससे भी कम कोई चार्ज हो ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर हम क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया। क्यों खींच लिया भाई, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज हम यूज कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर वो नहीं आता है तो केमिस्ट्री में हमें बहुत तकलीफ होती है। स्पेशली इस चैप्टर में तो हम केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, पहला यूज तो कर ही रहे हैं कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बीचों बीच न होकर थोड़ा क्लोरीन के साइड में चले जाएंगे। तो क्लोरीन पर पूरा माइनस तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा माइनस जरूर आएगा, और हम जानते हैं कि माइनस थोड़ा सा कुछ नहीं होता, या तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से जाएगा या तो नहीं जाएगा, कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। तो सबसे छोटा चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो उससे भी छोटा कैसे हो सकता है। तो वास्तव में यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ इधर इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो गया उसको दिखाने का तरीका है डेल्टा माइनस। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा है, डेल्टा माइनस है, डेल्टा माइनस कोई माइनस नहीं होता है, करेक्ट। तो ये चार्ज एक्चुअल नहीं है, वर्चुअल है। डेल्टा प्लस ये एक्चुअल नहीं है, वर्चुअल है, काल्पनिक कह सकते हो, ठीक है ना, वास्तविक नहीं, ये वास्तविक है और ये काल्पनिक है, एक्चुअल एंड वर्चुअल। इसको भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन ही मानते हैं और इसको ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन मानते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब चार्ज, कौन सा चार्ज, टारगेट एटम के ऊपर चार्ज। यहां मेरा टारगेट क्लोरीन और हाइड्रोजन है, दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जरूरी नहीं कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही हो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन। क्यों माइनस वन है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया। क्यों प्लस वन है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा है तो माइनस,
और जिसका इलेक्ट्रॉन खींचा है उसके ऊपर प्लस, और यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे दिया है, इलेक्ट्रॉन दे दिया इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। तो प्लस माइनस में भले ही अंतर हो, यहां पर रियल पॉजिटिव रियल निगेटिव, यहां पर नॉन रियल पॉजिटिव नॉन रियल निगेटिव, या वर्चुअल पॉजिटिव वर्चुअल निगेटिव, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन बोलते हैं तो इसका भी प्लस वन बोलते हैं, इसका माइनस वन बोलते हैं तो इसका भी माइनस वन बोलते हैं। और आमतौर पर हमारे सामने जो केसेज आते हैं वो ऐसे नहीं होते, ऐसे ही होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो हमें चार्ज निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। यहां तो साफ साफ दिखता है प्लस माइनस, लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा खोजना पड़ता है, थोड़ा हमें सोचना पड़ता है। तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के आपको क्लियर करेंगे। जैसे हम पानी का मॉलिक्यूल है, तो पानी के मॉलिक्यूल में क्या है, ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा एक्चुअल या वर्चुअल। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन। पीरियडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, सेकेंड इज ऑक्सीजन, बाकी सब उसके बाद धीरे धीरे आते रहते हैं। सबसे टॉप का ये है किंग और ये है उसका मंत्री, हम पहले भी ये बात बोल चुके हैं पीरियडिक टेबल वाले चैप्टर में। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये यहाँ का बादशाह है किंग, और ये उसका महामंत्री, बाकी सब सेनापति सैनिक प्रजा जनता सब आती रहेगी। तो फिलहाल ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों में कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, ऑक्सीजन पर एक निगेटिव डेल्टा माइनस, ठीक, हाइड्रोजन पर एक डेल्टा प्लस। इन दोनों में जरा सोचो फिर से, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों को वही खींचेगा। तो एक और डेल्टा माइनस मतलब दो डेल्टा माइनस, और इस पर एक और डेल्टा प्लस। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन और प्लस वन। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट मिला दो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए टोटल मिलाकर के जीरो भी हो जाना चाहिए। पानी का मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो अगर कोई न्यूट्रल सिस्टम है तो टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल सिस्टम होता है, ना तो ये पॉजिटिव है ना तो ये निगेटिव है, इसीलिए जब टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो जीरो आ जाना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किस पर डिपेंड करता है, इनका कनेक्शन कैसा है और इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिव तो तुमने देख लिया, कनेक्शन की बात जरा देखो, यहां जरा देखो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन खींचेगा, तो माइनस वन प्लस वन, ऑक्सीडेशन स्टेट सीधा लिखा। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये तो इस बार तो दोनों सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वही इलेक्ट्रॉन खींचता है, दोनों बराबर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकते हैं, तो इनकी वजह से एक दूसरे के ऊपर कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं आएगा। फिर इस बॉन्ड के बारे में सोचो, इसमें इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन खींचेगा, सो माइनस वन है प्लस वन। तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन है, माइनस वन है, यहां पर कितना था माइनस टू, क्यों माइनस टू था, क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचा था। यहां माइनस वन क्यों, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा लेकिन इधर से नहीं खींच पा रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचा है लेकिन इधर से नहीं खींच पा रहा है। तो ये जरा ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट दो चीजों पर डिपेंड करता है, किसके कनेक्शन किसके साथ है, कैसे कनेक्शन है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कौन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। एक और एग्जाम्पल बात को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, फ्लोरीन के साथ हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया F2O, जरा ध्यान से देखो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, भाई राजा साहब की मंत्री, डेफिनेटली राजा साहब ज्यादा पावरफुल, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खींचेगा, सो माइनस वन माइनस वन माइनस टू सॉरी प्लस टू, दोनों ने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचा है एक बार, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस बार प्लस टू होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका प्लस टू होगा। एक और एग्जांपल F2O2, एक बार में बोला जाए तो ये क्या है H2O, ये क्या है H2O2, इसी तरह से ये है F2O और ये क्या है F2O2। यहां जरा सोचो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने खींचा माइनस वन प्लस वन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने खींचा माइनस वन प्लस वन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, तो आंसर है नहीं,
यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, प्लस वन, फ्लोरीन का माइनस वन, माइनस वन। तो क्या कोई ऐसा भी एलिमेंट है जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तो राजा है, इससे टकराने की हिम्मत कौन करेगा, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉन कोई नहीं खींच सकता, कहीं भी रहेगा तो माइनस ही रहेगा, या तो न्यूट्रल रहेगा या तो माइनस रहेगा। जैसे फ्लोरीन अकेले है, फ्लोरीन फ्लोरीन साथ में है, ये दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेंगे ना, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो भी होता है, माइनस प्लस तो होता है या जीरो भी होता है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है, करेक्ट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, माइनस है। फ्लोरीन का भी प्लस नहीं होगा, या तो माइनस होगा या तो जीरो होगा, क्योंकि कोई ऐसा बहादुर नहीं है जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींच सके, ठीक है। और ऑक्सीजन किससे डालता है, तो सिर्फ और सिर्फ राजा साहब से और किसी से नहीं। इसका इलेक्ट्रॉन अगर कोई खींच सकता है तो फ्लोरीन, और कोई ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव कब आता है, केवल तभी आता है जब इसके साथ फ्लोरीन कनेक्टेड हो। और केवल हमारे पास दो एग्जाम्पल उसके लिए, एक ये एग्जाम्पल, एक ये एग्जाम्पल पूछा जाता है पेपर में अक्सर, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है। तो हम कहते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल सिर्फ दो है, एक है F2O और दूसरा है F2O2। निगेटिव एग्जाम्पल कोई भी और बना दो जिसमें फ्लोरीन ना हो, ठीक है। फ्लोरीन के नीचे फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के नीचे ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन होता है। जैसे F2O बना है वैसे Cl2O भी तुम बना सकते हैं। तो क्या इसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव होगा? F2O देखो, F2O में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, Cl2O में भी होगा क्या? तो आंसर है नहीं। ये है राजा साहब, ये है महामंत्री, जब भी होगा ये ऑक्सीजन से कमजोर होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में ये सब ऑक्सीजन से कमजोर है। तो अगर ये ऑक्सीजन से कमजोर है, ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन इधर से भी खींचा, इधर से भी खींचा, माइनस टू, दोनों का इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस वन, प्लस वन, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट किस पर डिपेंड करता है, इसके कनेक्शंस किसके साथ है, कैसे है, और कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इस स्ट्रक्चर, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा किस पर प्लस है किस पर माइनस है। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चर बनाना हम केमिकल बॉन्डिंग में अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद मॉलिक्यूल के अंदर एक एक एटम का हम ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ इसका भी बताया, इसका भी बताया, इसका भी बताया, इन तीनों का बताया, इसका बताया, इसका बताया, सबका बताया, किसी एक का नहीं बताया, सबका बता दिया, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। तो एक बार जब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करके हम एक एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर के कुछ कंपाउंड्स हम बना रहे हैं, जरा उस पर फोकस करो। देखो ये है सल्फर H2SO4, इसका स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ाया है। बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए और हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए? तो हम कहेंगे सल्फर 6 बार ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, दो बार यहाँ, दो बार यहाँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसने खींचा? ऑक्सीजन में, क्यों? महामंत्री भाई, सल्फर से बहुत ताकतवर है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस वन प्लस वन। इसने भी इलेक्ट्रॉन खींचा माइनस वन प्लस वन। यहाँ डबल बॉन्ड है मतलब ये दो बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर माइनस टू, इस पर प्लस टू, ये भी दो बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस टू, सल्फर पर प्लस टू। इसने दो बार खींचा, इसने दो बार खींचा, इसने एक बार खींचा, इसने एक बार खींचा, तो कुल मिला करके इन ऑक्सीजन ने सल्फर का इलेक्ट्रॉन 6 बार खींचा, तो सल्फर पर प्लस 6 आना चाहिए। ऑक्सीजन इस पर भी माइनस टू आएगा क्योंकि इसने एक बार इधर से सल्फर का इलेक्ट्रॉन खींचा, एक बार इधर से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचा है अपनी तरफ। इसने भी इधर सल्फर से इधर हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन पर क्या होना चाहिए? इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिया है तो प्लस वन, हाइड्रोजन पर प्लस वन। अब जरा इन सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मिलाओ, क्या जीरो आ जाता है? क्योंकि हमने कहा था अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, H2SO4 पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज होता है? अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इसके अंदर जो एटम्स है सबको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलाएंगे तो जीरो आना चाहिए। तो प्लस वन, प्लस टू, प्लस सिक्स मिलाकर, प्लस वन और प्लस वन और प्लस सिक्स मिलाकर के प्लस एट हो गया, माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू, माइनस एट हो गया। जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, मतलब नेट रिजल्ट इज जीरो। ध्यान रखना है सल्फर के और भी स्ट्रक्चर है, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हमने पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग में,
यहां देखो सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ 6 बार बॉन्ड बनाया है, और क्या सल्फर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो आंसर नहीं, हर बार ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 6 बार इसके साथ बंधा हुआ है और हर बार ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉनों को खींचा है, इसीलिए सल्फर का +6, इस ऑक्सीजन पर -2, इस ऑक्सीजन पर -2, इस ऑक्सीजन पर -2, क्यों -2 है, क्योंकि इसने दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचा है, क्यों -2, क्योंकि इसने 2 बार इलेक्ट्रॉन खींचा है, क्यों -2, 2 बार इलेक्ट्रॉन खींचा है, फिर इस पर ध्यान दो, क्या ये भी 2 बार इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, आंसर है नहीं, इधर से सल्फर का इलेक्ट्रॉन तो खींच सकता है लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, उधर से भी अभी आंसर आया था यस, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, तो दोनों जो है बिल्कुल इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकते, ऑक्सीजन पर सिर्फ -1 आएगा, इसी तरह से इस पर जो है ये सिर्फ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच सकता, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इक्वल है, -1 -1, हाइड्रोजन पर क्या होगा +1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिया, सब मिलाकर देखो आ जाता है क्या 0 आ जाता है क्या, इस पर भी +1 होना चाहिए, अब सब मिलाकर देखो 0 आता है क्या, +6 +7 +8, -2 -4 -6 -7 -8, माइनस में 8 है प्लस में 8 है, मतलब टोटली 0, इसी तरह से H2O8, यहां सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट में बताओ फटाफट, सीधा देख करके हम बता सकते हैं +6 इसका भी +6, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर दो तरह के ऑक्सीजन है, ये दोनों -1 वाले हैं और बाकी सब ऑक्सीजन -2 वाले हैं, दोनों -1 क्यों है, क्योंकि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है उस बॉन्ड को हम परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, कंपाउंड का नाम लिखते समय भी पर और ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ रोल होता है, जैसे इसका नाम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -1 ही होता है, ठीक है, कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा एक्सेप्शन ना हो, स्पेशली फ्लोरीन वाला जहां प्लस में नबात बन जाए, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो माइनस में ऑक्सीजन पर 1 रहेगा, और अगर फ्लोरीन आ गया इधर इधर जैसे यहां था O2F2 में तो +1 हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड दिखा नहीं कि ऑक्सीजन पर -1 हो जाता है, सिर्फ वही है जहां +1 हो जाता है क्योंकि राजा साहब के साथ है, तो -1 -1 ये -2 होगा क्योंकि इसने 2 बार सल्फर का इलेक्ट्रॉन लिया है, -2 ये भी -2 ये भी -2 ये भी -2 क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी -2 क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सल्फर +6 सल्फर +6 हाइड्रोजन +1 हाइड्रोजन +1 सब मिला दोगे 0, सब प्लस माइनस जितने इसमें दिखाई पड़ रहे हैं सब मिला दो 0, तो किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम बना लेते हैं तो उसके अंदर एक एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोकेट कर सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और मोस्टली हमें ऑक्सीजन से सामना करना पड़ता है, ऑक्सीजन का दूसरों के साथ, ठीक है ना, कभी ऑक्सीजन का सल्फर से, कभी ऑक्सीजन का फॉस्फोरस से, कभी ऑक्सीजन का क्लोरीन से, कभी ऑक्सीजन का फ्लोरीन से, तो ऑक्सीजन किसी से डरता है क्या, तो आंसर है यस डरता है, किससे डरता है भाई, सिर्फ राजा साहब मतलब कि फ्लोरीन से, और किसी से नहीं डरता है, बाकी जहां भी जाएगा इलेक्ट्रॉन खींच करके ही लाएगा, फ्लोरीन के पास जाता है तो झुक जाता है, लीजिए हुजूर हमारा इलेक्ट्रॉन आप जो है ले लीजिए, क्योंकि आप राजा साहब हैं, हम आपके मंत्री हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन आप आसानी से ले सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो फ्लोरीन जो है सिर्फ ऑक्सीजन के सामने झुकता है, बाकी पीरियोडिक टेबल में कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट नहीं है जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच सके, वो किसी का भी खींच लेगा, ठीक है, इसकी बात करें तो ऑक्सीजन की, फ्लोरीन तो किसी का भी खींच लेगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन को छोड़ करके किसी से नहीं डरता है, फ्लोरीन तो किसी का खींच ही सकता है क्योंकि वो तो राजा है ही, ऑक्सीजन फ्लोरीन को छोड़कर किसी से नहीं डरता है, वो कहीं भी जाएगा जीत कर ही आएगा, बस फ्लोरीन के सामने झुक जाता है भाई, क्योंकि राजा है तो उसको झुकना तो पड़ेगा ना, मंत्री है तो राजा के सामने तो झुकेगा ही, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अब इस ऑक्सीजन का ही जिक्र करते रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन को फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन भी हमने देखे थे, तुरंत बताओ ऑक्सीजन का फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, तो आंसर है +5।
क्यों प्लस फाइव? क्योंकि पांचों ने मतलब एक बार इसने, एक बार इसने, एक बार इसने और दो बार इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -2 -2 -2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +1 +1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचा, इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचा, इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचा, सब मिला दो जीरो हो जाएगा, ओके। ये है H3PO4। अगर हम H3PO3 बनाए तो H3PO3 बना रहा है, सिखाया था हमने केमिकल बॉन्डिंग में, ये बस ये तीन ऑक्सीजन में से कोई एक ऑक्सीजन हटा दो। चलो हम यहां पर ऑक्सीजन जब हटा देंगे तो ऑक्सीजन की हटते ही हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। आप बताओ जरा फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो हम कहेंगे दो बार इसने खींचा, एक बार इसने खींचा, एक बार इसने खींचा, मतलब +4। हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ने कुछ किया तो हाइड्रोजन ने भी तो कुछ किया होगा, तो हाइड्रोजन जो है फास्फोरस से कमजोर है, हाइड्रोजन जो है फास्फोरस से कमजोर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, फास्फोरस लेगा, या बोलो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो एक -1 इस पर, ठीक है, +1 इस पर, और नेट मिला दो, इनकी वजह से 4 पॉजिटिव आया, इसकी वजह से 1 नेगेटिव आया, नेट रिजल्ट इज +3। तो यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, दोनों को मिला देने पर +3 दिखाई पड़ेगा। H3PO4, H3PO3 और इसका भी एक छोटा भाई हमने बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, H3PO2। अगर इसी में से एक ऑक्सीजन और कम कर दे, ये वाला चाहिए वाला, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जरा बताओ हमें, तो फास्फोरस पर इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट, करेक्ट। इसने दो बार खींचा, इसने एक बार खींचा, मतलब फास्फोरस पर +3। इसका इलेक्ट्रॉन फास्फोरस ने खींचा -1, इसका भी इलेक्ट्रॉन फास्फोरस ने खींचा -1, रिजल्ट इज +1। सबको मिला दिया तो +1, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सामना ऑक्सीजन से होता है, ठीक है, हाइड्रोजन से भी होता है। तो ये जरा ध्यान में रखना है। कुछ और एग्जाम्पल्स लिए जाए, चलो HClO4, इसकी बात भी हमने की है केमिकल बॉन्डिंग में, हम सीधे स्ट्रक्चर बना दिए हैं। जिस तेजी से स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसी तेजी से स्ट्रक्चर तुम्हें भी बनाना है। नाम दिखा नहीं कि स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, यह नहीं कि बहुत ज्यादा जूझना है, अभी नाम दिखा है फिर आधे घंटे में स्ट्रक्चर बनाएंगे वो भी गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम दिखा, स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, इतनी तेजी चाहिए, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बनाने में नहीं, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी जूझना है। स्ट्रक्चर बनाने में अगर हम जूझते रहेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम निकालेंगे। केमिकल बॉन्डिंग पर पकड़ मजबूत बनाओ। एटलीस्ट जितने मॉलिक्यूल्स का नाम हमने पूरे चैप्टर में लिया है, ध्यान रहे जितने भी मॉलिक्यूल्स का नाम पूरे चैप्टर में लिया है, उनमें से किसी भी मॉलिक्यूल का नाम अगर ले लिया जाए तो स्ट्रक्चर तुरंत आपके सामने आ जाना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। केमिकल बॉन्डिंग पर इतनी पकड़ होनी चाहिए। पूरे चैप्टर में हमने केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, सबका नाम लिया है, किसी का भी नाम सामने आया तो उसका स्ट्रक्चर तुरंत बताओ कि क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, क्या है उसका शेप, क्या है हाइब्रिडाइजेशन, इसे तुरंत फटाफट बताओ, तब जाकर के बाकी सब चैप्टर्स में हम काम को स्मूथली कर पाए। HClO4 का स्ट्रक्चर क्या है? ये रहा, ये Cl है, नॉट CCl। ऑक्सीडेशन स्टेट हम तो सीधा लिखते रहे +7, क्योंकि 7 बार ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, दो बार इधर, दो बार इधर, दो बार इधर और एक बार इधर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तो -2 -2 -2 -2। हाइड्रोजन का बताओ +1, सब मिला दो जीरो हो जाए। तो ये ध्यान देना, हम केवल मॉलिक्यूल ही नहीं आयंस के ऊपर भी काम कर सकते, मॉलिक्यूल्स ही क्या, हम आयंस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो आयंस के ऊपर जरा काम करो, मान लो हम सल्फेट आयन की बात करें, सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर यही है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, कैसे +6, 6 बार खींचा है। ऑक्सीजन का -2 -2, इसका क्या होगा? एक माइनस तो देखो पहले से ही है, एक माइनस पहले से पड़ा हुआ है, सो फोर सल्फेट आयन में दोनों पर एक एक निगेटिव पहले से है। एक बार सल्फर का इलेक्ट्रॉन खींचेगा जब ऑक्सीजन, तो एक निगेटिव और आ जाएगा, मतलब कुल मिला करके -2। इस ऑक्सीजन के साथ में वही बात है, एक माइनस तो पहले से ही है, और जब इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन और खींचेगा सल्फर के साइड से तो -1, तो -2 इसका भी होगा, तो -2 -2 -2 -2 इसका क्या है? +6,
और सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखो, क्या ये न्यूट्रल है? आंसर है नहीं, ये न्यूट्रल नहीं है। सल्फेट आयन मतलब SO4-2, इसके ऊपर दो निगेटिव चार्ज है, तो अगर दो निगेटिव चार्ज है तो सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मिलाने के बाद दो निगेटिव जरूर बचना चाहिए। तो +6 के साथ चार बार दो निगेटिव मिलाओ, -2, -2, -2, -2 एंड +6, सब मिलाओगे तो -2 बच जाएगा। तो अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये तो न्यूट्रल नहीं है, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मिलाने पर 0 हो जाता है। और अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है, मतलब अगर सिस्टम न्यूट्रल नहीं है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मिलाने पर निगेटिव उतना ही निगेटिव या उतना ही पॉजिटिव आएगा जितना कि इसके ऊपर मौजूद है। इस पर दो निगेटिव है इसीलिए इन सबको मिलाने पर 2 निगेटिव आएगा। अगर 5 निगेटिव होता तो सबको मिलाने पर 5 निगेटिव भी आता, अगर 3 पॉजिटिव होता तो सबको मिलाने पर 3 पॉजिटिव भी आता। तो हम जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं, यहाँ जितना चार्ज होगा सबको मिलाने पर उतना चार्ज आना चाहिए, अगर यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो सबको मिलाने पर 0 आ जाना चाहिए। तो यह है ऑक्सीडेशन स्टेट का थीम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज। कैसा चार्ज? एक्चुअल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। अगर कंपाउंड आयनिक है लाइक NaCl, ठीक है ना, लाइक NaCl चाहे ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉनों का, लाइक KCl चाहे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है, तब तो चार्ज हमारा एक्चुअल होगा। लेकिन अगर कंपाउंड आयनिक नहीं है तो चार्ज हमारा वर्चुअल होगा। हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जितना जल्दी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उतना जल्दी काम करेंगे। तो स्ट्रक्चर पता रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करेंगे, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पीरियडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हम एक एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑलमोस्ट सब की बात हमने कर ली। फ्लोरिन की बात हमने कर ही ली, हमने सल्फर की बात ऑक्सीजन की बात की, हमने क्लोरिन ब्रोमिन वगैरह की भी थोड़ी बात की, सल्फर भी एग्जाम्पल्स में लिए, फॉस्फोरस को भी एग्जाम्पल में लिया, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। क्लास खत्म ही हो चला है, कुछ एग्जाम्पल्स और ले लिए जाए खत्म करते करते। ऐसे हम कहें कि जरा CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कितना होना चाहिए? +4। हमने तुरंत बता दिया, दो बार इसने खींचा, +4 हो गया। ऑक्सीजन का बताओ, -2 एंड -2। बस स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में देखे हैं, टारगेट ये रहेगा तुम्हारा, सब में जो है सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने की कोशिश करो। जो सेंट्रल एटम है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्ट्रक्चर देखो, और सेंट्रल एटम अगर एक से ज्यादा सेंटर्स है सब पर ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो, या फिर जितने एटम से सफर कोशिश करो कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, स्ट्रक्चर बनाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। बस ध्यान क्या रहना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम करेंगे। फ्लोरीन सबसे ज्यादा 1 नंबर, ऑक्सीजन को 2 नंबर देना है राजा साहब, उसका महामंत्री, देन बाकी सब 3रे नंबर पर आएगा। तो कभी कभी हमें कार्बन की जरूरत पड़ती है, तो कार्बन जो है नाइट्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हम फ्लोरीन के नीचे कौन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, कभी कभी इन तीनों को और इसको जो है कार्बन के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये सब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, करेक्ट। हाइड्रोजन पीरियडिक टेबल में किनारे की तरफ पाया जाता है, हाइड्रोजन इन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ये जितने एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जरा ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन इन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन 1 नंबर, ऑक्सीजन 2 नंबर, बाकी सबको एक साथ 3 नंबर पर रख दो, ये दोनों से कमजोर सब है। कार्बन से मजबूत कौन है, तो ये सब जो है कार्बन से मजबूत है, ठीक है। ऑक्सीजन से मजबूत कौन है, तो सिर्फ फ्लोरीन है। तो थोड़ा सा इस नॉलेज को रख करके कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्ट्रक्चर पता रहेगा तो हम आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक और मेथड होता है कि अगर हमें स्ट्रक्चर कभी कभी क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होता है या फिर स्ट्रक्चर हम बना नहीं पाते हैं कुछ जगहों पर, तो वहां पर हम एक छोटा सा मैथमेटिकल वर्क करके भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो बेस्ट मैथड है या सबसे अच्छा मैथड या जो मैथड है वो यही है कि हम स्ट्रक्चर बनाए और स्ट्रक्चर बनाकर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंपेरिजन करें और ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगाए।
मैथमेटिकल है, कैलकुलेशन है, वो साइड में है, ठीक है ना। कि अगर कभी कभी स्ट्रक्चर हमें नहीं आ रहा है, या जो कंपाउंड दिया है या जो सिस्टम दिया है उसका स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तभी हम मैथमेटिकल वे में जाएंगे। अदरवाइज हम हमेशा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, और स्ट्रक्चर बना करके उसके अंदर जो भी एटम है उस ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने की कोशिश करेंगे। और रही बात मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, तो वो भी हम करेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में।